कमाल है, पड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, तुम बुझा रही हो। अपने अपने आने की खबर नहीं दी? खबर क्या देनी, हम अभी भी पेशवा हैं। नहीं मंजे, इतने दिनों से आए नहीं ना आप। जग में खो जाने वाले तो कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। असो युद्ध पर जा रहे हैं, आरती नहीं उतारोगी, तुम घर की बड़ी बहू हो। साजो श्रृंगार से तो लगते ही है। ये सुदासी, जरा आरती की थाली लेकर आना। या बसा, हमने तुम्हें अकेला कर दिया ना काशी। अकेले कहाँ श्रीमंत, दिन भर इस पूरे शनिवार वाड़ा के काम को संभालते हैं और शाम को राघो बा को लेकर कीर्तन सुनने जाते। कल तो स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, आपको भी सुनाते या नहीं थे? बसा हाँ, तो स्वामी जी बता रहे थे, कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। क्यों? कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। काशी, तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। छे हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रासलीला जो नहीं रचाई। तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराए लोगों से क्या शिकायत करनी, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। हमारी वजह से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा है, जो भी सजा देना चाहो हम हंसते हुए ले लेंगे। सजा? आज तो हम आपको खुशी देंगे। मर्जे, आज के बाद आप इस कमरे में फिर कभी नहीं आएंगे। राम, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? जिस दिन से इस पेशवाई की बहू बनकर आए थे, आपकी खुशी की कसम खाई थी, बस उसे निभा रहे हैं।